भोपाल नगर निगम कर्जे में है, विकास कार्यों को ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। भोपाल की सड़कों पर चलना मुश्किल है क्योंकि सड़कों का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नेताओं और अधिकारियों को खुश करने के लिए उन्हें फूल मालाएं और बुके देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। भोपाल की सड़कों के हालात ठीक नहीं है, सड़कों का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं हो रहा है और ना ही सड़कें बन पा रही हैं। इतना ही नहीं, शहर के अंदर सिविल लाइन की समस्या आज भी बनी हुई है। नालियां ठीक तरह से नहीं है क्योंकि ठेकेदारों का पेमेंट नगर निगम ने अभी तक नहीं किया है। ड्रेनेज सिस्टम की कहानी भी किसी से छिपी नहीं है। विकास कार्यों की पोल लगातार नगर निगम की खुल रही है और नगर निगम सिर्फ यह कह रहा है कि उसके पास पैसे की कमी है और उसे कर्जा लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम नेताओं और अधिकारियों को खुश करने के लिए उन्हें फूल मालाएं पहनाने जा रहा है और बकायदा इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। निविद सूचनाएं जारी कर नगर निगम ने तमाम प्रकार के आयोजनों में फूल मालाओं, बुके, फ्लावर डेकोरेशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल दिया है और 3 दिन के अंदर यह टेंडर किसी को मिल भी जाएगा। जबकि हाल ही में बिजली का बिल न जमा करने के चलते नगर निगम के द्वारा लगाई गई शहर में स्ट्रीट लाइटों से बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया गया था। जनता को तो नगर निगम सुविधा नहीं दे पा रही, लेकिन कार्यक्रमों में फूल माला देने के लिए 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार है, जो जनता से टैक्स के रूप में वसूली जाती है। नगर निगम की इस फिजूल खर्ची पर नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जहां एक ओर नगर निगम कमिश्नर फिजूल खर्ची ना करने की बात सबसे कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर 1.5 करोड़ के टेंडर सिर्फ फूल माला पर बर्बाद करने के लिए निकाल दिए गए हैं, जो गलत है। नेता प्रतिपक्ष ने इस टेंडर को तत्काल निरस्त करने की मांग भी की है। बिल्कुल बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे, जनता को मूलभूत सुविधा दे नहीं पा रहे, सड़क टूटी हुई पड़ी है, सीवेज सिस्टम खराब है, पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है। ऐसी स्थिति के अंदर हम नगर निगम का पैसा बर्बाद करना कहीं से उचित नहीं है। कमिश्नर नगर निगम को चाहिए, जब नगर निगम के अंदर कोई पैसा नहीं है तो 1.5 करोड़ रुपये का टेंडर निकालना अवैधानिक अनुचित है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है और इस दुरुपयोग करने के लिए नगर निगम नहीं है और टैक्स वसूल कर रहे हो, तो पहले जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखें और ये तत्काल प्रभाव से इस टेंडर को कैंसिल कर देना चाहिए। गौरतलब है कि आयोजनों पर फूलमाला के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी आपत्ति ली है। उनका कहना है कि अधिकारियों से चर्चा कर इस संबंध में बात की जाएगी कि आखिर इस तरह के टेंडर निकालने की क्या जरूरत पड़ गई। देखिए, आपके द्वारा ये विषय संज्ञान में लाया गया, मैं अधिकारियों से चर्चा करके पूरे टेंडर की विषय वस्तु, उसकी डिटेल जानकारी लेता हूँ। नगर निगम को इस काम की कितनी आवश्यकता है इसकी भी जांच करें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।